और इसलिए हमें गर्व है हमारी सेनाओं पर, हमें गर्व है हमारे सुरक्षा बलों पर, हमें गर्व है हमारे जवानों पर, हमें गर्व है आप सभी पर। मेरे परिवारजनों, आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं उसमें भारत से अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसे अहम समय में ये बहुत जरूरी है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें, देश में शांति का वातावरण बना रहे, और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। भारत तब तक सुरक्षित है जब तक इसकी सीमाओं पर हिमालय की तरह अटल और अडिग ये मेरे जांबाज साथी खड़े हैं। आपकी सेवा के कारण ही भारत भूमि सुरक्षित है और समृद्ध के मार्ग पर प्रशस्त भी है। पिछली दिवाली से इस दिवाली का जो कालखंड रहा है, जो एक साल गया है, वो विशेष तौर पर भारत के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों से भरा हुआ है। अमृतकाल का एक वर्ष भारत की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक वर्ष बना है। बीते एक वर्ष में भारत ने चंद्रमा पर वहां अपना यान उतारा जहां कोई देश पहुंच नहीं पाया। इसके कुछ दिन बाद ही भारत ने आदित्य L1 की भी सफल लॉन्चिंग की। हमने गगनयान से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण भी सफलता से पूरा किया। इसी एक साल में भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत नौसेना में शामिल हुआ। इसी एक साल में भारत ने तुमकुरु में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की शुरुआत की। इसी एक साल में बॉर्डर इलाकों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ। आपने देखा कि खेल की दुनिया में भी भारत ने अपना परचम लहराया है। सेना और सुरक्षा बल के कितने ही जवानों ने भी मेडल जीतकर लोगों का दिल जीत लिया है। बीते एक साल में एशियन और पैरा गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने मेडल की सेंचुरी बनाई। U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमारी महिला खिलाड़ियों ने विश्व कप जीता है। 40 वर्षों बाद भारत ने IOC की बैठक का सफल आयोजन किया है। साथियों, पिछली दिवाली से इस दिवाली तक का कालखंड भारतीय लोकतंत्र और भारत की वैश्विक उपलब्धियों का भी वर्ष रहा है। एक साल में भारत ने संसद की नई इमारत में प्रवेश किया। संसद की नई इमारत में पहले सत्र में ही नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ। इसी एक साल में दिल्ली में G20 का सफलतम आयोजन हुआ। हमने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जैसे महत्वपूर्ण समझौते किए। इसी कालखंड में भारत रियल टाइम पेमेंट के मामले में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना। इसी कालखंड में भारत का एक्सपोर्ट $400 बिलियन को पार कर गया। इसी